कुरुक्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कुरुक्षेत्र कांग्रेस भवन पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान यात्रा के दूसरे चरण पर दावा किया कि पानीपत रैली रिकॉर्ड तोड़ रही थी और वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा भारत और हरियाणा जोड़ने के साथ साथ देश को बचाने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भाजपा सरकार को अहंकारी और घमंडी सरकार की संज्ञा देते हुए कहा कि देश प्रदेश की जनता को धर्म भाषा जात पात में राजनीति से बचना होगा। बेरोजगारी से और आपस के भेदभाव की राजनीति से, नफरत की राजनीति से, धर्म भाषा और जात पात की राजनीति से जो है हिंदुस्तान को बचाना है और भारत को जोड़ना है। भारत जोड़ो के तीन लक्ष्य हैं, लेकिन हरियाणा में भी हमारे कुछ लक्ष्य हैं। हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए मैं वो हरियाणा में कुछ संकल्प है, इन संकल्पों को लेके आप और हम चल रहे हैं हरियाणा को बचाने के लिए। आज जो महंगाई जो चरम सीमा पर जा रही है, आज जो आर्थिक तौर से आज हम जो कमजोर स्थिति जो जा रही है, आज उस पर हमको एकजुट होने की आवश्यकता है। महंगाई चरम सीमा पर आज किस तरह से जो चाहे रसोई गैस का भाव है, चाहे डीजल का है, चाहे वो पेट्रोल का है, चाहे वो खाने की सभी जो वस्तुओं पर जिस तरह से जीएसटी लगाई गई, आज उन सब की बात। समालखा में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। विधायक धर्म सिंह चोकर ने दी तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि ढोल नगाड़ों से यात्रा का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा बीजेपी की फैलाई गई नफरत को खत्म करेगी। भाईचारे के लिए राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की है और इसके जरिए आने वाले समय में बीजेपी का सफाया करके केंद्र और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दौरे कर रहा हूं और काफी तादाद में लोग पहुंचेंगे। मैं जहां तक राहुल गांधी प्रांत की बात है, ऊंचा गांव से 4 बजे चलेंगे, वो सनोली खुर्द पे पहुंचेंगे, वहां से सीधे सनोली खुर्द गांव में आएंगे। वहां का जबरदस्त स्वागत होगा, और नगाड़ों से आतिशबाजियों से पूरे कई हजार की तादाद में लोगों का स्वागत करेंगे और वहां का रात्रि का ठहराव भी सनोली खुर्द में रुकेंगे राहुल गांधी जी। इसका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राहुल गांधी जी का। हमारे एक छोटे से क्षेत्र में, समाल का पिछले क्षेत्र में, उन्होंने यहाँ सनोली खुर्द गांव में रात का ठहराव का जो मुझे रात को ठहराव का जो प्रोग्राम बनाया है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। और देखिए, जहाँ तक भी यात्रा की बात है, सुबह फिर वहाँ से 6 बजे सनोली खुर्द से चलेंगे, 6 तारीख को 6 बजे और पानीपत के लिए रवाना होंगे। वहाँ कप्तान 20-25 हजार आदमी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। इलाके में बड़ा उत्साह है, खुशी मनाई जा रही है और सभी लोग, आदमी भी, औरतें भी, नौजवान भी, बुजुर्ग भी, यात्रा में चलने का हमने न्योता दिया है और सभी साथ साथ चलेंगे। ना हरियाणा नहीं, पूरे देश में फर्क पड़ेगा ये भारत जोड़ो यात्रा। ये जो बीजेपी पार्टी ने जो नफरत मजहब की, धर्म की, जाति का जो जहर फैला रखा है, उसको खात्मे के लिए और भाई से भाईचारा बढ़ाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरुआत की है। जो आज तक पहली यात्रा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ऐसा नेता जो करीब 3500 किलोमीटर लगातार जोश से चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा संदेश है। ये यात्रा हमारे यात्रा ये पार्टी की नहीं है, ये यात्रा भारत जोड़ने के लिए। राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये पार्टी से कोई राजनीतिक फायदा भी नहीं कह सकते। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का जो फायदा होगा, देश में एकता का प्रतीक है ये, और आने वाले समय में बीजेपी का सफाया होगा और केंद्र में भी और हरियाणा में कांग्रेस ही सरकार बनेगी पूरी जो। और नमस्ते हरियाणा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।